ये साइन क्या है? आप बोलेंगे विक्ट्री का है। फोटो क्लिक करते समय अक्सर ये साइन आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इन टू फिंगर्स से बने साइन के दूसरे पहलू टू फिंगर टेस्ट के बारे में बताते हैं। बात एकदम आसान भाषा में होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये टेस्ट खबरों में क्यों है? कोयम्बटूर में एयरफोर्स की महिला अधिकारी ने एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज के परिसर में कथित रेप का आरोप लगाया। रेप हुआ या नहीं ये जानने के लिए डॉक्टरों ने टू फिंगर टेस्ट किया, जिसमें पीड़िता को बेहद दर्द से गुजरना पड़ा। राष्ट्र महिला आयोग ने भी गंभीर आपत्ति जताते हुए गरिमा और निष्ठा के हनन की बात कही है। रेप हुआ, FIR दर्ज हुई और आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। सब टू फिंगर टेस्ट के बलबूते किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट बैन कर चुका है। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की अपने साथ रेप होने की बात करती है। रेप हुआ है या नहीं इस बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर टू फिंगर टेस्ट करते हैं। यह टेस्ट मैन्युअली किया जाता है, जिसमें डॉक्टर पीड़ित लड़की के प्राइवेट पार्ट में एक या दो उंगली डालकर ये टेस्ट करते हैं कि वो वर्जिन है या नहीं। यदि उंगलियां आसानी से चली जाती है तो माना जाता है कि वह सेक्सुअली एक्टिव थी और रेप हुआ है। किसी की भी गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वाला ये टेस्ट पीड़िता के साथ दोबारा रेप करने जैसा है। और आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये एक अनसाइंटिफिक टेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बात कही है कि रेप के मामले में महिला या लड़की की सेक्सुअल हिस्ट्री कोई मायने नहीं रखती। ये बात सिर्फ रजामंदी की ही है, और वो रजामंदी किस स्तर पर और किस हालत में दी गई यह देखना बेहद जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2014 में रेप पीड़ितों के लिए नई गाइडलाइन बनाई, जिसमें अस्पतालों से फोरेंसिक और मेडिकल टेस्ट के लिए एक अलग रूम बनाने को कहा गया। टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगाई गई, हिस्ट्री रिकॉर्डर पर लेने के निर्देश दिए गए। टू फिंगर टेस्ट अनैतिक है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर WHO तक ये बात कह चुका है। इसके बावजूद भी कई राज्यों में धड़ल्ले से ये टेस्ट हो रहा है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आमतौर पर बातचीत नहीं होती, होनी चाहिए। संवाद जारी रखना बेहद जरूरी है। और भी ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के ओरिजिनल सेक्शन से। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।